नमस्कार, मैं सुनील समीर आप सभी का चौपाल समाज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें क्या है। नमस्कार, मैं चांदनी कुमारी मार्च से ही निगरानी विभाग के फर्जी एफआईआर का दंश झेल रही हूं। विगत नवंबर माह से मेरा वेतन बंद है। मेरे सामने भुखमरी की समस्या आन पड़ी है। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका लालन पालन मैं कैसे करूं? व्यक्तिगत परेशानी के कारण मेरे पति भी अस्थायी जॉब नहीं कर पाते हैं। जब कोर्ट ही मेरा फैसला करेगी तो मैं संघ या संगठन का गुणगान क्यों करूं? अगर 1 अक्टूबर को फैसला नहीं आता है तो मैं पटना में सड़क पर आंदोलन करूंगी, भूख हड़ताल आंदोलन अनशन करूंगी। मैं 5 साल से जॉब कर रही थी, एकाएक एफआईआर, ना कोई स्पष्टीकरण। मेरा पटना उच्च न्यायालय में मामला चल रहा है, फिर भी मुझे सेवा मुक्त कर दिया गया। थोड़ा इंतजार भी हो सकता था, पूरे बिहार में सबसे पहले मुझे सेवा मुक्त किया गया। ऐसी हड़बड़ाहट क्यों? जिन्होंने मेरी नियुक्ति की थी उसका वेतन क्यों नहीं बंद हुआ? डीओ बीडीओ, ना ही उनका वेतन बंद हुआ और ना ही उन्हें सेवा मुक्त किया गया। जिन्होंने मेरी बहाली की वो निर्दोष हैं और मैं दोषी, ऐसी दोषी कि मुझे वेतन बंद के साथ साथ सेवा मुक्त कर दिया गया। सिर्फ शिक्षक, आम शिक्षक को ही मेरे विद्यालय के HM ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सत्यापित कर और कोर्ट ने भी सत्यापित कर मेरे अंक पत्र को मंगवा लिया है, तो देरी क्यों? मैं संघ से इसलिए खफा हूँ क्योंकि जब मार्च में मुझे पता चला कि निगरानी सही टीचर पर भी FIR करती है तो संघ से मैंने कहा आंदोलन करने के लिए, लेकिन संघ ने व्यक्तिगत मामला समझ के कहा आपको कोर्ट जाना होगा और मैं कोर्ट गई। अब कोर्ट ने भी इतनी देरी कि वेतन तो मिलना अब है नहीं, उसके बाद मुझे सेवा मुक्त कर दिया। किसके सहारे मैं समझूं कि मुझे न्याय मिलेगा? क्यों मैं, लेकिन परिणाम क्या हुआ? सेवा मुक्त कर दिया गया मुझे। फिर संघ किस लिए होता है? जवाब चाहिए। निगरानी जैसे अच्छी संस्था क्यों होती है? आम आदमी का कोई क्यों नहीं सुनता? मुझे जवाब चाहिए। मैं आम शिक्षकों से यही निवेदन करती हूँ कि मेरा साथ दें और मैं कोर्ट के साथ साथ सड़क पर आंदोलन करूं और जीत हासिल करूं। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रही हूं, निगरानी से ग्रस्त सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए मैं आवाज़ उठाना चाहती हूं, आवाज़ बुलंद करना चाहती हूं। हम जब शिक्षकों की आम समस्या को नहीं सुलझा सकते हैं तो फिर समान काम समान वेतन जैसे बड़े मुद्दों को लेकर कैसे लड़ेंगे? इसलिए सभी शिक्षकों से नम्र निवेदन है कि मेरा साथ दिया जाए और निगरानी से जितने भी शिक्षक ग्रसित हैं उनके लिए आवाज़ उठाया जाए। धन्यवाद।